जिला कांगड़ा के धरोहर गांव गरली स्थित सिविल अस्पताल के स्टाफ क्वार्टरों की हालत लंबे समय से दयनीय है, जिससे 50,000 लोगों की सेहत का जिम्मा संभालने वाले गारली अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारी जान हथेली पर रखकर अपने क्वार्टरों में रहने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर के निकट बने सालों पुराने क्वार्टर जर्जर हो चुके हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि सरकारी क्वार्टरों में छत से पानी रिसता है। गौरतलब है कि करीब 10 दशक पूर्व सरकारी आवास स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के रहने के लिए बनाए गए हैं, परंतु इन दिनों आवास भवनों की हालत काफी खराब हो चुकी है। आलम यह है कि इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, छत के स्लेट नीचे गिरने की कगार पर हैं, दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका है। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, परंतु अभी तक विभाग की ओर से इनकी मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने बताया कि गत दिनों ही उनके बच्चे के ऊपर छत से स्लेट गिर गया था। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि गरली अस्पताल के पास बने सरकारी आवासों की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए। मैं नीलम कुमारी हूँ, इस भाई कर्मचारी हूँ गरली हॉस्पिटल में, और ऐसे है कि मेरे क्वार्टर सारे जेंट्स वाले क्वार्टर खराब है, और मैं इतने साल 20 साल से रह रही हूँ, और कोई इनको क्वार्टरों को कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है। तो इससे कि मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे को जहाँ तक क्वार्टर बनाओ जहाँ तक मेरे को भेज दो। मैं भुवनेश्वरी, वीडियो ब्लॉफर, सिविल हॉस्पिटल गरली। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे 4-5 साल से रह रही हूँ, और यहाँ पर जो ये हमारे रेजिडेंस है वो रहने लायक नहीं है। कुछ टाइम पहले सोए सोए मेरे बच्चों के ऊपर स्लेट जो है वो नीचे गिर गए थे। थोड़ी बहुत मेंटेनेंस हमने खुद करवाई है, जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ भी मतलब सरकार ने हमें कोई सहायता नहीं दी, कुछ नहीं किया। और मैं रहने वाली हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की हूँ, मेरे दो बच्चे जो हैं वो यहाँ मेरे साथ अकेले रहते हैं, कोई पारिवारिक मेंबर मेरे मदर इन लॉ वगैरह कोई साथ नहीं रहता है, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। और अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं सोई हुई थी और एक सांप मेरे ऊपर चढ़ गया सोई हुई के ऊपर, और वो मुझे फील हुआ था, मैं उठी तो पता लगा कि मतलब मैं फिर वो भाग गया। तो इससे हमें क्या है कि मतलब मैं तो चलो बड़ी थी, मैंने देख लिया, मैनेज कर लिया, लेकिन अकेले मेरे बच्चे रहते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज मैं गवर्नमेंट से और आप सबसे ये निवेदन करूंगी कि इन क्वार्टर्स का कुछ रिपेयर या कोई नई न्यू मतलब बनाए जाए, या इनकी ही कुछ मेंटेनेंस करवाई जाए जिससे हम यहाँ पे रह सके। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।